स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर प्रॉपर्टीज में। मैं आशीष सिमवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ 2 BHK हाउस, जो देहरादून की एक वेल नोन लोकेशन है, डोईवाला, जिसको आप सब लोग जानते हैं। डोईवाला के अंदर 405 गज के प्लॉट में लगभग 100 गज में 2 BHK हाउस बना हुआ है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सोल्ड के लिए सेल आउट होने जा रही है और मैं आपको लेके आया हूँ आज जो लोकेशन की। मैं सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन आपको समझा देता हूँ, जो डोईवाला का मेन चौक रहने वाला है। डोईवाला के मेन चौक से आपको जो है 350-400 मीटर अंदर ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। डोईवाला से जो शुगर मिल रोड जा रही है उस पर ये प्रॉपर्टी आती है और शुगर मिल रोड से आप जैसे ही 20 मीटर अंदर आएंगे गली में, ये आपको प्रेम नगर, इस जगह का नाम है, तो ये प्रेम नगर कॉलोनी आपको पड़ने वाली है। यहाँ पे इसमें आप रोड देख सकते हैं 20 फीट की यहाँ पे वाइड रोड है और साथ ही साथ ये रोड के साथ ही लगता हुआ ये प्लॉट है यहाँ पे। तो आइए अंदर इस प्रॉपर्टी में एंटर करते हैं। तो जैसे मैं अंदर एंटर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी बढ़िया तरीके से इन्होंने काफी अच्छा खासा हरियाली मेंटेन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मक्के के पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं। पहले मैं जो लोकेशन की बात कर ले रहा हूँ प्रेम नगर, तो आप सब लोग जानते हैं कि प्रेम नगर बहुत ही ज्यादा फेमस है और एक ऐसा एरिया है जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, जो जिसका एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट इसका काफी बड़ा है। साथ ही साथ मैं आपको बात करूं तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज रहने वाली है इस एरिया में, यहाँ पे एयरपोर्ट आपको पास पड़ने वाला है। केवल 6 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट यहाँ से रहने वाला है, 5 किलोमीटर की दूरी पे हार्डली यहाँ पे हिमालयन हॉस्पिटल रहने वाला है। और अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो डोईवाला का स्कूल यहाँ पे है। अगर मैं बात करूँ कॉलेज, डोईवाला के अंदर कॉलेज भी है और बहुत सारी फैसिलिटीज है, तहसील भी यहाँ पे है, तो सारी कुछ फैसिलिटीज इस एरिया में आपको मिल जाती हैं। चलिए आइए अब मैं घर के अंदर आपको एंटर करता हूँ। तो घर का बाहर आपने पूरा एरिया देख लिया है, थोड़ा सा बालकनी का एरिया है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये बरामदा है आपका। और इस बरामदे में जैसे आप टेबल लगा के काफी 5-7 लोग आपके यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे शाम की आपकी चाय यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे एक बरामदा है। जैसे ही अब आइए मैं एंटर करता हूँ अंदर घर के, तो जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर करता हूँ, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 BHK आपको हाउस रहने वाला है। तो इसमें जो बेडरूम है आप ये देख सकते हैं, इसको एज अ बेडरूम यूज करिए या एज अ ड्राइंग हॉल आपको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखिए काफी बड़ा है, काफी स्पेशियस है, जो कि करीबन 15x12 का ये रहने वाला है। काफी बहुत बड़ा है और स्पेशियस है। साथ ही में बगल में ही इसका एक दूसरा रूम है, जिसको भी आप चाहे तो ड्राइंग हॉल इस्तेमाल कर सकते हैं या एज ए रूम आप इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे चाहे वैसे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दो दो साइड से इसमें एंट्री है, तो डबल डोर इसमें रहने वाला है। चलिए अब मैं आपको जो है एक दूसरे रूम के अंदर आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। तो इसके बगल में अगर जैसे मैं इधर से एंटर करता हूँ, तो ये पीछे वाला बरामदा आपका आ जाता है। यहाँ पे भी एक बहुत काफी अच्छा खासा स्पेस दे रखा है और साथ ही में एक छोटा सा रूम यहाँ पे है, जो कि आप ऐसा जो है पूजा रूम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बेडरूम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या एज ए स्टोर रूम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं इस साइड की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक किचन रहने वाला है, जो कि काफी बड़ा है, काफी स्पेशियस है, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ। तो किचन के साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ, इधर सामने की मैं बात कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके टॉयलेट वॉशरूम वगैरह रहने वाली है, यानी कि बेसिक फैसिलिटीज आपको पूरी रहने वाली है। तो ये बैक साइड के गेट से मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ यहाँ से, तो आप ये देख सकते हैं पीछे बालकनी में काफी अच्छा 10 फीट का यहाँ पे स्पेस छोड़ा गया है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये काफी खुला हो जाता है, चारों तरफ से वेंटिलेशन यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर यहाँ पे जो खाली प्लॉट है अगर घर भी बन जाते, तब भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा स्पेस मिलने वाला है बहुत ज्यादा इसमें, और वेंटिलेशन प्रॉपर मिलने वाला है। यहाँ पे बगल में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ भी है। और पीछे अगर मैं बात कर लेता हूँ उसके, तो यहाँ पे आउटसाइड स्टेयर्स है, जो कि आपको छत की तरफ लेके जाती है। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से एक स्टेयर्स आपकी रहने वाली है, छत पे आप अपने कपड़े सुखाने के लिए, जो भी आपकी एक्टिविटीज रहती है उसके लिए। तो अब मैं बात कर ले रहा हूँ, अगर आप इस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करें। आपको जो स्क्रीन पे हमारे कॉन्टेक्ट नंबर चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाह रहे हैं, तो हमें जल्दी से कॉन्टेक्ट करें। अगर मैं डिमांड की बात करूँ ओनर की, तो केवल 75 लाख रुपीज उन्होंने डिमांड करा है, जो कि थोड़ा बहुत नेगोशिएबल भी है और एक बहुत ही वाजिब रेट, एक बहुत ही बढ़िया दाम इन्होंने कहीं ना कहीं कोट यहाँ पे किया है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।